वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लानेट। तो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फॉस्फीन प्रिपरेशन। फॉस्फीन का फॉर्मूला था PH3, ठीक है। लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हो, क्योंकि टॉपिक जो है आपका बीच में छूट गया था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के तीन प्रकार के एलोट्रोप्स है ना, अपर रूप है। फॉस्फोरस प्रकृति में तीन रूपों में पाया जाता है, वाइट फॉस्फोरस, देन रेड फॉस्फोरस, आफ्टर दैट ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस के एलोट्रोप से। तो बच्चों, फॉस्फोरस के प्रकृति में तीन अपर रूप है, लाल, सफेद और काला, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, फॉस्फोरस का मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म, फॉस्फोरस का सर्वाधिक क्रियाशील रूप जो है, दैट इज वाइट फॉस्फोरस, श्वेत फॉस्फोरस, ठीक है। आफ्टर दैट तो सेकेंड फॉर्म है बच्चों रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, ठीक है। और तीसरा है काला फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। अब वैसे तो हमने ये तीनों पढ़ ही लिए हैं, ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सफ़ेद फॉस्फोरस जो है ये P4 की डिस्क्रीट यूनिट, P4 की चतुष्फलकीय इकाइयों के रूप में होता है, ठीक है। तो अगर मैं वाइट फॉस्फोरस की बात करूँ तो मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि ये P4 की टेट्राहेड्रल यूनिट है। लाल फॉस्फोरस, तो बच्चों ये रेखीय बहुलक है, चतुष्फल की इकाइयाँ थी वो थोड़ा श्रृंखला बना लेती हैं, आगे से आगे कनेक्ट हो जाती हैं, तो रेखीय श्रृंखला बहुलक है, लीनियर चेन पॉलीमर है। और काला फॉस्फोरस, तो भाई वो 3D में आ जाता है ना, तो ये भी त्रिविम बहुलक है। तो हम कहेंगे ओके, त्रिविम बहुलक है और ज़्यादा इसके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अब देखो, अगर ये सिर्फ P4 है, ये थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है और ये पूरा 3D में ना पॉलीमराइज हो जाता है, तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो वाइट फॉस्फोरस होना चाहिए, क्योंकि अकेला ही है ना, बहुलक बन गया तो थोड़ा क्रियाशीलता कम हो जाती, और बड़ा बहुलक बन गया तो क्रियाशीलता और कम हो जाती, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई आप तो ऐसा करो, फॉस्फोरस का रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता क्रम बता दीजिए, तो बच्चों आपको बताना है सर्वाधिक क्रियाशील जो है वो वाइट फॉस्फोरस है, श्वेत फॉस्फोरस की क्रियाशीलता सर्वाधिक है। उसके बाद तो हम कहेंगे रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, और उसके बाद तो भाई ब्लैक फॉस्फोरस यानी कि काला फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वाइट, रेड एंड ब्लैक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई कहेगी नहीं आप स्ट्रक्चर ही बना दो, तो बना दो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका स्ट्रक्चर बना दो, वाइट का, रेड का, ब्लैक का, तो बनाओ, क्या करेंगे? तो देखो, सफ़ेद फॉस्फोरस P4 की इकाइयों के रूप में था, तो सिर्फ P4 ही था ना, तो P4 बना दो। अब हर फॉस्फोरस ध्यान से देखो, एक फॉस्फोरस तीन बॉन्ड बना रहा है, तो एक फॉस्फोरस अगर तीन बॉन्ड बना रहा है तो टोटल तो पाँच होते हैं ना, तो मैंने एक लोन पर पहले ही बना दिया, ठीक है, कि आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई पाँच है तो फिर तीन ही बॉन्ड बना रहा है, तो दो तो बचे। फिर मैंने आपको ये एंगल भी सिखाया था लास्ट टर्न पे कि भाई ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का एंगल जो है ये वाला 60 डिग्री है, कोणीय तनाव 60 डिग्री होता है, तो ये स्टेबल नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए पानी में रखना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं रेड फॉस्फोरस, ये तो बनाया बच्चे मैंने वाइट फॉस्फोरस है ना, सफ़ेद फॉस्फोरस, अगर मैं कहूँ लाल फॉस्फोरस बनाओ, तो ये लेफ्ट राइट वाली चेन खोल दो, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि लाल फॉस्फोरस बनाओ, तो ये लेफ्ट राइट खोल दो और आगे से आगे कनेक्ट करो, तो हम कहेंगे देखो ये पी, फिर पी, फिर पी और पी, है ना, ये बॉन्ड नहीं खुलेगा, आगे चलो, तो हम कहेंगे आगे एक और चतुष्फल की इकाई से जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट कर दो और ये आगे, तो ये हो जाएगा लाल फॉस्फोरस। तो एग्जाम में आए वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाओ तो पहला बना देना, रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाओ तो दूसरा बना देना, ये वाइट फॉस्फोरस है, ये रेड फॉस्फोरस है। अब ब्लैक, तो ब्लैक में और क्या पॉसिबिलिटी थी, तो हम कहेंगे देखो
यहाँ तो लोन पेयर है ही ना, है ना। तो वैसे तो सब जगह अगर तीन तीन बॉन्ड है हर फॉस्फोरस पे लोन पेयर है ना, तो हम कहेंगे ये वाला बॉन्ड भी खुल जाएगा, ऊपर नीचे बॉन्ड बना दो, है ना, वो भी बॉन्ड खोल दो। आपने अभी लेफ्ट राइट वाला खोला तो रेखीय बहुलक बन गया, और ऊपर वाला भी खोल दोगे तो पूरा 3D पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे चलो ब्लैक फॉस्फोरस बनाते हैं। तो सॉरी, ब्लैक फॉस्फोरस बनाते बच्चों। तो ब्लैक फॉस्फोरस में हम कहेंगे देखो कुछ ऐसा बना लेते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप इसको आराम से बना पाएंगे। ये आगे कनेक्ट है, ये पहले तो एक सिंपल व्हाइट फॉस्फोरस बना दी, तो हम कहेंगे ये था व्हाइट फॉस्फोरस, तो फिर लेफ्ट राइट खोल देंगे तो रेड फॉस्फोरस बन जाएगा, तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा बना दिया तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, रेड में बस ऊपर नीचे बॉन्डिंग थी, है ना। अब ब्लैक बना दो तो ये ऊपर कनेक्ट हो जाएगा और ये नीचे कनेक्ट हो जाएगा, तो एक फॉस्फोरस इकाई और बना देती हूँ। देखो सही है, ये नीचे से कनेक्ट हो गया, ये आगे, ये आपस में बॉन्ड नहीं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी नहीं है, इसको और कनेक्ट कर दो, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये है बेटा काला फॉस्फोरस। ठीक है, ब्लैक से बनाया याद रह जाएगा एग्जाम में, ब्लैक से बनाया था तो काला फॉस्फोरस था, लाल से बनाया था तो वे लाल फॉस्फोरस था, अभी सफ़ेद से तो बनाने से रही तो ये वाइट फॉस्फोरस है। समझ में आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब तुम सोचो इसको गर्म करूँगी तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और इसको गर्म करूँगी हाई प्रेशर पे तो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड खुल जाएंगे, ये बनेंगे। तो हमने पढ़ा ही था सफ़ेद फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे बंद नलिका में नाइट्रोजन के वातावरण में और कई दिन तक गर्म करते हैं तो लाल फॉस्फोरस बनता है। ठीक है ना, तो व्हाइट को गर्म करेंगे तो रेड बन जाएगा, है ना, और रेड को हाई प्रेशर पे गर्म करेंगे तो ब्लैक बन जाएगा। अब ब्लैक भी दो तरह का था, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक, तो अगर मैं लाल को गर्म करूंगी तो ही अल्फा बनेगा और सफ़ेद को डायरेक्ट गर्म करूंगी तो बीटा बन जाएगा, थोड़ा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफर करता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस हमारा क्लियर। उसके बाद हमने ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। क्रियाशीलता क्रम बताने के लिए मैंने आपको वापस टॉपिक बताया कि मान लो एग्जाम में आ गया कि भाई फॉस्फोरस का क्रियाशीलता क्रम, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये है। अब अगर हम बात करें बच्चे, स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था फॉस्फीन, है ना, फॉस्फीन PH3। मैंने कहा था रंगहीन सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली, है ना, गैस होती है, टॉक्सिक गैस होती है, विषैली गैस होती है, जिसको हमने नाम दिया था फॉस्फीन। अब फॉस्फीन में देखो PH3 सेंट्रल एटम आपका P है ना, और सेंट्रल एटम आपका P है और ये तीन हाइड्रोजन के साथ ऐसे बंधा हुआ है। अब एक तो बॉन्ड पेयर हो गया, तीन लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर हो गया, तीन बॉन्ड पेयर हो गए, क्योंकि तीन बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड पेयर तीन, लोन पेयर एक, टोटल चार, संकीर्ण क्या हो गया SP3। और अगर मैं इनको कनेक्ट करूं तो ये पिरामिड जैसा दिखता है, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री सिर्फ बॉन्ड से डिसाइड होती है, तो ये ज्योमेट्री देख के लग रहा है पिरामिड। सेम चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, तो सेम चीज़ हमने अमोनिया में पढ़ी थी। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये किसका सम संरचनात्मक है ना, आइसो स्ट्रक्चरल विद, है ना, किस संरचना के समान संरचना इसकी है, तो हम कहेंगे तो अमोनिया का सम संरचनात्मक है। ठीक है, तो अमोनिया का सम संरचनात्मक है कौन, तो हम कहेंगे फॉस्फीन, आइसो स्ट्रक्चरल विद NH3, आंसर है PH3। अब PH3 बनाने की विधियां, तो PH3 हमने बनाया था कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड का जल अपघटन कर दो चाहे अम्लीय जल अपघटन कर दो। मैंने आपको कहा था देखो कैल्शियम +2 होता है, फॉस्फाइड -3 होता है, तीन इधर आ जाएगा दो उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड। अब पानी में देखो H और OH, तो तुम्हें सिर्फ प्लस को माइनस से मिलाना है और तुम्हें क्या करना है, इतना तो कर ही लोगे, तो कैल्शियम +2 OH माइनस से मिलेगा तो Ca OH2। ठीक है, और P-3 को 3H लगेंगे क्योंकि चार्ज ही माइनस का क्या है, तीन है, तो हम कहेंगे ये बनेगा PH3। सिमिलरली कैल्शियम फॉस्फाइड और HCl, तो इस बार कैल्शियम पकड़ेगा Cl को तो ये CaCl2 हो जाएगा और बाकी आंसर क्या हो जाएगा PH3। ठीक है, आफ्टर दैट तो हम कहेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड से नहीं बनाना हो तो व्हाइट फॉस्फोरस को उबलते हुए NaOH में डाल दो, है ना। अब व्हाइट फॉस्फोरस रखते ही पानी में, तो व्हाइट फॉस्फोरस बॉइल्ड NaOH और वाटर, तो आंसर क्या है, तो हम कहेंगे फॉस्फीन। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यदि
यहाँ पे है ना, एक लाइन लिख रही हूँ, यदि NaOH के स्थान पर, NaOH के स्थान पर अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करें, अगर मैं इस रिएक्शन में NaOH को यूज नहीं करूं, किसको यूज करूं, अल्कोहलिक KOH को यूज करूं, तो बेटा अल्कोहलिक KOH से मुझे शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त होती है, शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त होती है। मान लो आपसे सवाल पूछ ले कि भाई अगर मुझे शुद्ध फॉस्फीन चाहिए तो NaOH की जगह क्या लूं, तो आंसर आपका अल्कोहलिक KOH। ठीक है, फिर देखो शुद्ध अवस्था में फॉस्फीन जलती नहीं, लेकिन बाय चांस इसमें P4 की इम्प्योरिटी हो, P2H4 की इम्प्योरिटी हो तो ये जलेगी। तो अब हम कहेंगे लैब में बना रहे हैं, तो लैब में इतना ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती और हम रिस्क क्यों लें। तो अब फॉस्फीन हाईली क्या हो जाएगा, आग भी पकड़ लेगी, मतलब थोड़ा तेज ही आग पकड़ लेती है ना, अगर शुद्ध नहीं है। तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं, जैसे ही बनती है ना इसको HI में घोल लेते हैं। तो बेटा फॉस्फीन क्षार है, HI अम्ल है, तो अभिक्रिया हो जाएगी है ना, तो फॉस्फीन की क्रिया HI से करा तो आंसर हो जाएगा फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब वापस तुम कहोगे मुझे तो PH3 चाहिए, आपने तो इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो PH4I एक्चुअली क्या है, PH3 और HI, तो क्षार मिला दो, तो KOH और HI की अभिक्रिया कराओ, तो तुम कहोगे HOH वाटर निकल गया, KI निकल गया, PH3 मेरे पास शुद्ध आ गई, ये लो, तो PH3 KI और वाटर। तो एग्जाम में ऐसा भी सवाल बन जाए कि ना PH3 की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराओ, तो HI से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अम्ल में तो अवशोषित हो रही है, या ऐसी अभिक्रिया बताओ जिसमें PH3 क्षार की भांति व्यवहार करता है, तो अगर ये क्षार है तो अम्ल से तो क्रिया करेगा, तब भी ये रिएक्शन ले, क्लियर है। फिर तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी हमने पढ़ लिया था कि भाई फॉस्फीन रंगहीन है, सड़ी हुई मछली के समान स्मेल है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अब थोड़ा सा भी है ना अमाउंट आ जाए, ये अगर संपर्क में आ जाए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेंट यानी कि नाइट्रिक एसिड, ब्रोमीन, क्लोरीन जैसे ऑक्सीकारकों के संपर्क में, थोड़ी सी मात्रा इनकी हो और फॉस्फीन इनके संपर्क में आ जाए तो ब्लास्ट कर जाएगी है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई ये बिल्कुल शुद्ध चाहिए और किसी के संपर्क में ना आए। फिर पानी में बहुत कम घुलती है, लेकिन ठीक है सॉल्यूशन, अगर हमने इसका पानी में सॉल्यूशन लिया है ना, देखो यहाँ से छोटा हुआ है, हमने यहाँ से पढ़ना है आज का टॉपिक, इसके पहले वाला हमने पिछली क्लास में क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो देखो फॉस्फी जो कि थोड़ी बहुत जल में घुल जाती है और उस विलयन को मैंने प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया, तो भाई फॉस्फीन का जलीय विलयन अपघटित हो जाता है फॉस्फोरस में और हाइड्रोजन में, फिर फॉस्फीन की स्टेबिलिटी खत्म होगी। फॉस्फीन का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फोरस भी देगा और हाइड्रोजन गैस भी देगा। ठीक है, नाउ कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड से क्रिया। तो अब देखो फॉस्फीन की क्रिया मुझे करानी है कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेंगे, कॉपर सल्फेट तो ठोस है। ठीक है, तो बेटा फॉस्फीन की क्रिया हमें करानी है कॉपर सल्फेट से, तो तुम देखो कॉपर तो +2 फॉस्फाइड, फॉस्फीन में फॉस्फाइड P क्या है -3, तो अब तुम फॉर्मूला बना सकते हो क्या बनेगा, देखो तो हम कहेंगे हमारा आंसर होगा Cu3P2, तो Cu3P2 प्लस एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, तो H और O, SO4 से क्या बनेगा, तो हम कहेंगे H2SO4। ठीक है, तो मैं ले लूँ 3 तो कॉपर सल्फेट और 2 फॉस्फीन, तो कॉपर फॉस्फाइड बन गया और हाइड्रोजन 6 हो गए ना, तो H2SO4 मेरे पास 3 बन गए वापस। सिमिलरली तुमसे पूछा मर्क्यूरिक क्लोराइड से अभिक्रिया फॉस्फीन की, तो फॉस्फीन लिखो और मर्क्यूरिक क्लोराइड है ना, मर्क्यूरिक होता है बेटा HG+2, मर्क्यूरिक होता है HG+2 और मर्क्यूरस होता है HG2+2, तो आपको तो मर्क्यूरिक बोला है तो HG+2, अब अभिक्रिया करा दो, तो हम कहेंगे ओके चलो अभिक्रिया कराते हैं, तो मर्क्यूरिक +2 और फॉस्फाइड तो हम कहेंगे -3, अब तुम्हें दिख ही रहा है क्या बनेगा, तो मर्करी 3 हो जाएगा और P2 हो जाएगा, बस उसको लिख लो, तो हम कहेंगे अब हमारा आंसर आएगा Mercury 3 और P2। ठीक है, बैलेंस करो, तो मुझे Mercury 3 चाहिए, Phosphorus 2 चाहिए, Hydrogen 6, Chlorine 6, तो बाकी हो गया 6 HCl। तो यहाँ ऊपर क्या बना है,
कॉपर फॉस्फाइड, नीचे क्या बना है मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, इसको क्यूप्रिक भी लिख सकते हैं, कॉपर भी लिख सकते हैं, कॉपर सेकंड भी लिख सकते हैं, तो कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड ऐसे लिखते हैं ना, इसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये है कॉपर फॉस्फाइड, कॉपर फॉस्फाइड, और ये क्या है तो बच्चे ये है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, ठीक है, तो कॉपर फॉस्फाइड बनेगा और तो और मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बनेगा, क्लियर है ना। तो ये फॉस्फीन के कैरेक्टर्स है। अब मान लो तुमसे सवाल पूछे कि HBr से क्रिया, या एग्जाम में आ जाए कि नहीं फॉस्फीन जो है वो क्षार है, क्यों है समझाओ, या फॉस्फीन की अम्ल से क्रिया लिखो, ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारा NCERT में भी है। आई थिंक मैं चेक करती हूँ तुम्हारे NCERT में कहाँ गया ऐसा क्वेश्चन, देखा तो था मैंने, तो बच्चे NCERT में है, कहाँ गया, किसी ने पूछा भी था मुझसे एक दो दिन पहले, 7.7 या ऐसा कुछ था, हाँ ये रहा 7.7 है, PH3 की क्रिया अम्ल से कराई जाए, ठीक है 7.7 है इन टेक्स्ट, ठीक है। तो PH3 क्षार मान लो, लोन पेयर तो है ही, क्षार मान लेते हैं, और HBr से अभिक्रिया करा दो, तो HBr H प्लस और Br माइनस, वो प्रोटॉन छोड़ेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बनेगा PH4Br, है ना, तो ये लवण हो गया, तो ये है फॉस्फोनियम, इसको पढ़ेंगे फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। HI से अभिक्रिया कराते तो फॉस्फोनियम आयोडाइड, फिलहाल ये क्या है तो भाई ये है फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये इसकी अम्लीय प्रकृति है, सॉरी अम्ल से अभिक्रिया है, इसको आप क्षार मान लो, ये आपका अम्ल है और ये जो बना है वो लवण है, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, वैसे तो देखो येलो बॉक्स में है बट पता होना चाहिए, होम सिग्नल। अब होम सिग्नल क्या है कि जैसे ना समुद्र में जहाज जो है, शिप जो चलता है आपका, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला है ना, भी जहाँ उसको पहुंचना है वहाँ वो पहुंचे, तो पहुंचने से पहले लोग क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं कि भाई हमारा जहाज जो है वो पहुंचने वाला, ठीक है, या वैसे भी सिग्नल तो होता ही है ना आपका, कुछ ना कुछ होता है कि मैं अप्रोच कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम भी है तो सिग्नल भेजते, उस सिग्नल को हम होम सिग्नल बोलते हैं, और यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें फॉस्फीन काम आएगी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, देखो उन्होंने ले लिया एक डब्बा मान लो, है ना, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर ले लिया, इसमें इन्होंने भर दिया कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिश्र, ठीक है भाई, देखो दिमाग लगाया ना, जुगाड़ लगाया, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिश्रण एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में बंद कर दिया, बंद कर दिया तो मिश्रण अंदर ही रहे, इन्होंने क्या कि नहीं दो छेद बना दिए, है ना, यहाँ पे एक छेद बना दिया और यहाँ पे भी इसको छेद बना दिया, ठीक, और इसको ना दूर फेंक दिया, है ना, समुंदर में दूर फेंक देते भाई जहाँ उनके पास अलग अलग जुगाड़ है, ठीक है, किसी भी होता है तीर कमान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके पास अपना जुगाड़ है कि इसको इतनी स्पीड से भेजेंगे कि काफ़ी दूर चला जाए, ठीक है, अप्रोच करने का सिग्नल ही तो भेज रहे हैं, तो ओके। अब होगा क्या, तो देखो डब्बा स्टील का डब्बा है या लोहे का डब्बा है या कोई भी मेटल का डब्बा जो है इन्होंने बना दिया, प्लास्टिक कंटेनर मान लो उसको बना दिया और फेंक दिया, तो समुंदर में गया तो सॉल्टी वाटर आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, और सॉल्टी वाटर मतलब शुद्ध जल तो है नहीं, तो तुम्हारे पदार्थ कोई शुद्ध तो बनने वाले हैं नहीं, तो हम कहेंगे देखो कैल्शियम फॉस्फाइड, अभी हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, कैल्शियम फॉस्फाइड जल के संपर्क में आएगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन, तुमने हाँ बिल्कुल, तो कैल्शियम फॉस्फाइड तो तुमने भर के भेजा है, पानी के संपर्क में आ जाएगा, आंसर क्या है फॉस्फीन, अब फॉस्फीन शुद्ध है तब तक ये अज्वलनशील है, तो समुद्र के बीचों बीच में तुम फॉस्फीन बनाने बैठे हो, कहे कि शुद्धता, तो हम कहेंगे ये अशुद्ध है, तो बच्चे अगर अशुद्ध फॉस्फीन बन गई तो मैंने तुम्हें कहा था ये बहुत खतरनाक भी है ना, तो अशुद्ध फॉस्फीन है तो ये आग पकड़ ली, है ना, अगर फॉस्फीन जो है वो अशुद्ध है
तो फॉस्फीन क्या करती है, तो हॉन्ग कहेगी आग पकड़ ले। अब आग पकड़ लेगी तो दूर कहीं समुंदर में वो दिख रहा है कि अरे आग लग गई। अब आग लगने की तो बहुत सारी वजह हो सकती है, तेल का जहाज भी जाता है ना, डूब गया या कुछ हो गया तब वहाँ पर भी आग लग सकती है, ब्लास्ट होने का तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये कह रहा ठीक है हमने एक और जुगाड़ लगाया कैल्शियम कार्बाइड। तो बच्चे कैल्शियम कार्बाइड है ना, कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा, ठीक है कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा, तो हम कहेंगे CaC2, ये भी पानी में जाए। अब कैल्शियम की संयोजकता दो है तो मैं इसके आगे ट्वाइस लिखती हूँ, तो अब मेरे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2, और C2H2 है बेटा एसिटाइलीन गैस। C2H2 क्या है, एसिटाइलीन गैस या इथाइन गैस। अब ये क्या कर लेंगे, तो ये कह रहा है पहले तो देखो समुंदर के बीचों बीच में जहाँ आपने ये कंटेनर गिराया है वहाँ आग लग गई, और एसिटाइलीन गैस जो है ये क्या करेगी कि अगर आग लग रही है ना तो ये उसके बीचों बीच में ना ऐसे रिंग्स बनाती, फायर रिंग्स बनाती है, है ना। तो अब ये रिंग्स बन जाएगी, इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे इन रिंग्स को हम कहते हैं वोर्टेक्स, ठीक है। तो ये ऐसे स्पेशल टाइप का कुछ दिखेगा तो ये सिग्नल है कि भाई हमारा जहाज पहुंचने वाला है। तो है तो नॉर्मल है ना, आम इंसान, लेकिन जुगाड़ तो बिल्कुल साइंटिफिक लगा है, टेक्निक बिल्कुल क्या है, साइंटिफिक है ना। आपने उसमें भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री, कौन सा था, मेटलर्जी में कपड़े धोने वाली महिला का नवाचार, उसको भी पढ़ना। झाग क्लवन विधि जो है वो एक सिंपल जो वॉशर वुमेन है उसने डिस्कवर किया था, सल्फाइड एयर्स की झाग क्लवन विधि कॉन्सेप्ट उसका था। वो बार बार है ना रिसर्च में एक्सपेरिमेंट इंटरेस्ट रखती थी, वो देखती है क्या हो रहा है, ये तो कुछ नया ही हो रहा है ना। सिमिलरली आम आदमी है जो जहाज चला रहा है, उसको सिग्नल भेजना है तो उसको लग रहा है कि ऐसा कोई मिश्रण बना के डब्बे में खड्डा करके और डब्बा फेंक देता हूँ तो आग भी लग जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा कि आग की वजह क्या है। तो अगर आग के बीच में ये बिन रिंग्स बनती है ना, सुंदर भी दिखाई देता है ना, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई हमारा जहाज जो है पहुंचने वाला है, तो ये हमारा सिग्नल है। तो पुराने टाइम में लोग इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, है ना, उनको पता नहीं था कि वो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, है ना, बस लेकिन काम चल रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेटे होम सिग्नल, क्लियर, होम सिग्नल, है ना। अब इसमें आपको समझ में आ गया कैल्शियम फॉस्फाइड क्यों है, PH3 बना है इसलिए हमने इसको यहाँ डिस्कस किया है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा फॉस्फीन। अब हम डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स। तो बच्चे फॉस्फोरस जो है वो दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। अब वैसे आपको पता है कि फॉस्फोरस और Cl का कंपाउंड बताऊँ तो तुम कहोगे फॉस्फोरस और Cl का कंपाउंड एक PCl3 है एक PCl5 है। तो फॉस्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाता है ना। तो हम कहेंगे फॉस्फोरस के दो हैलाइड है, एक फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, ठीक है। तो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड मतलब PX3, और दूसरा है बच्चे फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड मतलब PX5, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड PX3, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड PX5, ठीक है। अब उदाहरण दे दो, तो देखो ट्राई हैलाइड का उदाहरण है PCl3 और पेंटा हैलाइड का उदाहरण है PCl5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करनी है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड बनाओ तो बनाएंगे कैसे, दो विधियां हैं, या तो फॉस्फोरस की अभिक्रिया डायरेक्ट क्लोरीन से करा दो या फॉस्फोरस की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दो, दोनों बार वाइट फॉस्फोरस है, ठीक है। तो सफ़ेद फॉस्फोरस की अभिक्रिया अगर मैं शुष्क क्लोरीन से करा दूँ तो मेरे पास आंसर तैयार है, क्या आंसर है, PCl3, है ना। वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन किससे कराओ, तो हम कहेंगे वाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन से करा दो, ठीक है, तो आंसर PCl3। अब अगर मैं कहूँगी नहीं वाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराओ, ठीक है, तो यहाँ ऐड कर देती हूँ मैं, है ना। तो तुम कहोगे कि 4 तो PCl3 बन जाएगा, 8 SOCl2 लिया ना तो 4 SO2 तो निकाल दूँ क्योंकि फिर SO2 बनाना है तो आधा ही बना पाऊंगी, तो 4 SO2 निकाल दी तो अब मेरे पास 4 सल्फर
और 16 में से 12 आ गए, 4 क्लोरीन बचे। तो सल्फर और क्लोरीन का फेमस कंपाउंड है सल्फर मोनोक्लोराइड, तो दिस इज H2Cl2, ठीक है ना। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं PCl3 बनाओ दो तरीके, ठीक है। अब PCl3 की संरचना बनाओ, तो बच्चे PCl3 में P सेंट्रल एटम है, 3 क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, और एक क्या है तो लोन पेयर है। तो ये तो हमने कितनी बार डिस्कस किया, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर बंधन युग्म, कितने बंध है 3, लोन पेयर तो कितना है 1, टोटल हो गया 4, तो हम कहेंगे संकरण। तो बच्चे संकरण में हम कहेंगे sp3, और अगर ज्यामिति पूछे तो हम कहेंगे पिरामिडीय ज्यामिति, ठीक है। ज्योमेट्रीज की पिरामिडल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड पेयर 3 है, और लोन पेयर तो हम कह देंगे कि भाई लोन पेयर जो है वो तो 1 है, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल लमसम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, तो लगभग बता रही हूँ मैं आपको 102 डिग्री के अराउंड, ठीक है। तो ये इसका बॉन्ड एंगल है, दिस इज PCl3, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट PCl3 के गुण, अब देख के ऐसा लगेगा तुम्हें कि भाई PCl3 है ठोस होना चाहिए, लेकिन ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है। PCl3 क्या है तो तुम कहोगे कलरलेस है, रंगहीन है, तेलीय द्रव है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई चलो रंगहीन तेलीय द्रव, कलरलेस ऑयली लिक्विड, रंगहीन तेलीय द्रव, स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ही लिया था, अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हवा के संपर्क में आया, हवा छोड़ो नमी के संपर्क में भी आ गया, तो अगर लैब में PCl3 रखा है ना, तो बच्चे PCl3 की बॉटल के आसपास आपको सफ़ेद धुआं, वाइट फ्यूम्स, अगरबत्ती के आसपास धुआं नहीं होता है, अगरबत्ती लगाते तो धुआं निकलता है, सिमिलरली PCl3 की बॉटल के आसपास आपको वाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। PCl3 की बोतल के आसपास श्वेत धूम्र, ठीक है, व्हाइट फ्यूम्स, श्वेत धूम्र धूम्र है ना, सफेद धुआं, श्वेत धूम्र देखने को मिलता है। क्यों मिलेगा? तो बच्चे ये नमी से ही जलअपघटित हो जाएगा, क्योंकि यह वायु में नमी के संपर्क में आने पर, वायु में नमी के संपर्क में आने पर, वायु में नमी के संपर्क में आने पर HCl बनाता है, ठीक है। और बच्चे ये जो फ्यूम्स है एक्चुअली ये HCl की, PCl3 की कोई फ्यूम्स नहीं, फ्यूम्स किसकी है तो हम कहेंगे HCl की है। यानी अगर मैं लिखूं PCl3 है ना, और नमी मतलब क्या, पानी तो हुआ क्या भाई, नमी मतलब क्या हुआ, पानी तो हुआ है ना, तो ये क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे देख लो 3 तो HCl दिख रहे, बाकी तुम्हें क्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे हमें दिख रहा है फॉस्फोरस अम्ल, तो बस ये आपका बनाएगा HCl जिसकी वाइट फ्यूम से और फॉस्फोरस अम्ल। तो ये भी तुम्हारे को इंटेक्स में क्वेश्चन मिलेगा, PCl3 के चारों तरफ सफ़ेद धुआं ही दिखता है, तो दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा, है ना, नमी से भी क्रिया कर लेता है। नेक्स्ट ये कह रहा है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिकों से क्रिया, तो भाई ये तो आपने कर रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी पढ़ी है, कार्बनिक यौगिकों से क्रिया, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिकों से क्रिया। तो अगर मैं कहूँ ऐसा करो एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराओ, तो मैंने ले लिया एथिल अल्कोहल और PCl3, तो एक पी एक OH तो उठाएगा नहीं, पी की वैलेंसी 3 है ना, तो एथिल अल्कोहल क्या करेगा, तो हम कहेंगे ये H3PO3 बना, और आंसर क्या है, इथाइल क्लोराइड, तो आंसर है इथाइल क्लोराइड प्लस H3PO3 है ना, और पिछली बार भी यही था H3PO3, तो इसको बोलते हैं भाई फॉस्फोरस अम्ल,
ठीक है, आगे हम फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे यही आएगा, तो इसे हम बोलेंगे फॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बना देंगे, ठीक है, एथिल अल्कोहल और PCl3। अब अगर मैं कहूँगी नहीं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और PCl3 की क्रिया, तो ठीक है ये लो, एसिटिक एसिड और PCl3 की क्रिया, तो एक पी को तो 3 OH चाहिए, है ना, तो हमने क्या किया यहाँ 3 कर दिया, तो ये फॉस्फोरस 3 OH से फॉस्फोरस एसिड वापस बना लेगा, और आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर है 3-acetyl chloride CH3COCl प्लस फॉस्फोरस एसिड। ये आपने पढ़ा रखा है ना, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने अल्कोहल पढ़ा है, एसिड पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, ठीक है, तो ये एसिटाइल क्लोराइड है ना, IUPAC लिखें तो एथिनॉयल क्लोराइड, ठीक है, ये एसिटिक एसिड, ये इथेनॉल, वो इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथे, सिंपल है। तो ये PCl3 की नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल बातें हैं कि भाई PCl3 बनाएंगे कैसे, फॉस्फोरस और क्लोरीन, डाई क्लोरीन, ठीक है, फिर तो हम कहेंगे फॉस्फोरस और थायोनिल क्लोराइड प्रॉपर्टी, तो तुम कहोगे कलरलेस ऑयली लिक्विड, फ्यूम्स क्यों हैं इसके बॉटल के आसपास, क्योंकि नमी से क्रिया करके HCl बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन कर लो, तो ये 2 रिएक्शन दिखा, 5 मिनट लगाने PCl3 पे, लगेगा इतना लंबा चैप्टर कब याद करूँगा, तो आप PCl3 के बारे में 2 शब्द बोलिए, तो बोल दो सारे घटाघट क्या दिखाते, ठीक है, ऐसे ही याद करना है चैप्टर को। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास PCl5, तो PCl5 के बारे में भी हम 2 लाइनें अभी बोलेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो PCl5 के लिए हम श्वेत फॉस्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन से करा देंगे, है ना, इस बार क्लोरीन एक्सेस में ले लो, पिछली बार क्लोरीन कम लेना था, ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, तो फिलहाल हमारे पास आंसर है 4 PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस की रिएक्शन किससे कराई, क्लोरीन से कराई एक्सेस में, तो हमारे को मिला 4 PCl5, ठीक है, PCl3 आपका कलरलेस ऑयली लिक्विड था, ठीक है, लेकिन ये भारी है थोड़ा, तो आपको पता ही ठोस अवस्था में श्वेत पाउडर है ना, गैसीय अवस्था में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ नहीं श्वेत फॉस्फोरस की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है SO2Cl2, तो मुझे क्लोरीन तो 10 चाहिए थे, ऊपर ही देखा था मैंने, तो बस P4 और 10 Cl2 उठा लो, तो हम कहेंगे अगेन 4 PCl5 प्लस 10 SO2, तो 10 तो SO2 उठा लो और बाकी क्या बचा, तो हम कहेंगे 4 PCl5, तो 2 रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है PCl5 के गुण, ठीक है, तो PCl5 के गुणों को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो बच्चे PCl5 के गुण में आप बताएंगे ये क्या है, सफ़ेद श्वेती पित्त, ठीक है ना, सफ़ेद पीला पाउडर है, ठीक है, येलो वाइटिश क्या है, पाउडर है। अब आपसे पूछेंगे चलो इसका भी जल अपघटन बता दो, जल से क्रिया समझा दो PCl5 की, ठीक है, तो अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझे पहले, है ना, PCl5 के गुण में पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाते हूँ, ठीक है, उस बनाना वाले एकदम बाद में, पहले हम PCl5 की संरचना को पढ़ते ताकि इससे क्या रिएक्शन तुम्हारी आसानी से बच जाएंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, PCl5 की संरचना, अब ध्यान से देखो PCl5 में सेंटर एटम पी है और 5 बॉन्ड बना रहा है, PCl5 में सेंट्रल एटम P है, 5 बॉन्ड बना रहा है, तो P 3 क्लोरीन तो इधर त्रिकोणी और 2 तल के ऊपर और नीचे Cl 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 और Cl, PCl5 में फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर तो होगा ही नहीं क्योंकि फॉस्फोरस के बैटम को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 आपने काम में ले लिए, तो बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0। अब बच्चे 5 कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो संकरण माना जाएगा sp3d, है ना, अगर 5 कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो संकरण हो जाएगा sp3d, ठीक है। अब 5 की ज्योमेट्री, तो मैं कहूंगी 5 में ज्यामिति बननी चाहिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय,
है ना, पांच की ज्योमेट्री बताओ, तो हम कहेंगे तीन तो एक ही तल में। पंखा कैसे होता है, मैंने आपको बताया था पंखे में जो पंखे का गोला है वो पी और तीन पर जो है उसके वो त्रिकोणी। अब पंखे की एक डंडी तो तुम्हें दिखती है वो अबाउ द प्लेन, एक डंडी हम और बना लेते हैं, नया डिजाइन बना लेते हैं, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ज्यामिति आपको लिखनी है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर ये पांच बॉन्ड बनाता है ना, अगर इस तरह की ज्योमेट्री होती है थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, विकृत होती है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, जो अक्ष में है, सॉरी ये वाली तो है आपकी एक्सियल, और ये जो है ना आपकी जो आपको एक तल में नजर आ रही है, अक्ष में तल में नजर आ रही है, इनको बोलते हैं विषुवतीय। तो PCL 5 में दो प्रकार की बंध लंबाइयां होती हैं, या दो प्रकार के क्या बोलते हैं बंध होते हैं, एक तो विषुवतीय इक्विटोरियल बॉन्ड, और ये जो होते हैं ना बच्चे, ये है एक्सियल अक्षीय बंध, ठीक है। तो बहुत बार अक्षीय कह दो, इसको निरक्षीय भी कह सकते हो, ठीक है, वो तो डायरेक्ट एक्सेस पे आ जाएगा ना, तल के ऊपर तल के नीचे एक्सेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये निरक्षीय होते, वो अक्षीय होते। अब ये हमेशा दूर रहने की कोशिश करते इनसे, क्योंकि प्रतिकर्षण रहता है, तो ये बंद लंबाई ज़्यादा होती है और ये वाली बंद लंबाई कम होती है। तो अगर आपसे कहूँ PCL 3 में निरक्षीय विषुवतीय बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 202, और ये वाली बॉन्ड लेंथ कितनी है बच्चे, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 240 पिकोमीटर, ठीक है। तो 202 पिकोमीटर और 240 पिकोमीटर, 240 तल के ऊपर और नीचे वाली, 202 एक ही प्लेन वाली, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये है PCL 5 की संरचना, संकरण भी है, ज्यामिति भी है, बॉन्ड पेयर भी है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम इसको गर्म करेंगे तो ये दो पहले चले जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना हमारी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, प्रतिकर्षण ज़्यादा महसूस करते हैं, है ना, थोड़ा अलग फील करते, तो पहले ही निकल जाएं। तो जब भी PCL5 की रिएक्शन कराते तो पहले दो CL जाने की सोचते, बाद में 3 CL की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इससे क्या तुम्हारे वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी जो हम पढ़ना चाह रहे थे, है ना, हम क्या पढ़ना चाह रहे थे, PCL5 के गुण। तो पहला हमने पढ़ लिया, चलो वाइट येलो पाउडर है, पानी से क्रिया कराओ। तो तुम कहोगे देखो PCL5 अब हमें ऐसे लिखना चाहिए, PCL3 CL और CL, ठीक है। अब अगर मैं इसकी अभिक्रिया जल से कराऊं तो मुझे तो क्लियर है कि इसके दो CL जो है ये बाहर आने को जल्दी जल्दबाजी मचाएंगे कि हमें बाहर निकाल दो, तो ये चीज़ बाहर चलेगी। तो अब देखो ये दो बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो मेरा आंसर तो फिलहाल यही है POCl3, है ना, और क्या हो जाएगा 2HCl, ठीक है। और तुम्हें थोड़ा और आइडिया लग गया कि अच्छा POCl3 में 3 CL तो एक ही तल में थे, है ना, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए ना, P डबल बॉन्ड O और ये CL, ये CL, ये CL, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, ठीक है, POCl3। अब अगर आपसे कहा है कि नहीं POCl3 की अभिक्रिया फिर से करा दो ना जल से, तो हम कहेंगे ठीक है ना, POCl3 का स्ट्रक्चर तो तुम्हारे को क्लियर ही है, फिर जल से अभिक्रिया करा दो, तो करा दो। और अब तुम्हें प्रॉपर कंपाउंड और स्ट्रक्चर दोनों दिख रहे हो, है ना, कि अगर मैं कहूँ नया कंपाउंड बनाओ और संरचना भी बना दो तो तुम बना लोगे, देखो दिक्कत क्या है। तो हम कहेंगे हाँ देखो 3HCl तो बाहर निकाल देता हूँ, फिर P डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है, पहले तो मेरे पास जो कंपाउंड आ रहा है दैट इज H3PO4, है ना, देखो H3 है, PO3 तो थे ही ना, PO4, और HCl बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो बच्चे H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4 क्या है, तो हम कहेंगे ये है फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, H3PO4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया H3PO4 का, अगर स्ट्रक्चर भी बनाना हो तो तुम बना लोगे, देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो तुम कहोगे देखो P डबल बॉन्ड हो तो दिख ही रहा था, दिख रहा था, और बाकी क्या करने थे, 3 OH ही तो करने थे, तो 3 OH, 1 OH, दूसरा OH और तीसरा OH, तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, और बाकी तुम्हें क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास ये PCl5 की प्रॉपर्टीज में, पहली हमने जल अपघटन तो पढ़ ली, अब गर्म कर दो। तो बच्चे अगर हम उसको गर्म ही करें, ताप अपघटन,
तो ताप अपघटन में तो दिक्कत ही क्या है, हमें पता है दो बंद लंबाई अलग है और तीन अलग है, तो PCl5 को गर्म करने पे एक तो PCl3 बनेगा और एक Cl2 बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें कार्बनिक यौगिकों से क्रिया, कार्बनिक यौगिकों से क्रिया, ठीक है। तो बच्चे आपको PCl5 की रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड से करनी है, तो कितनी फेमस रिएक्शन हमने करा रखी है, मान लो इथेनॉल ले लो और PCl5 ले लो, कर लो अभिक्रिया, कितनी फेमस रिएक्शन है, कितनी बार कर रखी है। तो हम कहेंगे अच्छा इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, और आंसर क्या है, इथाइल क्लोराइड, है ना। तो हम कहेंगे आंसर हो जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, इथाइल क्लोराइड, POCl3 और HCl, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl5 से कराओ, तब भी तो तुम सोच सकते हो देखो क्या होगा। तो हम कहेंगे HCl निकल जाएगा, POCl3 निकल जाएगा और आंसर हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ Cl प्लस क्या है POCl3 और प्लस HCl, ठीक है। तो PCl5 ये रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में तकलीफ क्या है, दो तीन तो आपने पहले ही पढ़ रखे है ना। अब अगर आपसे कहा जाए कि नहीं धातुओं से क्रिया करा देते हैं, ये ज्योमेट्री हो गई एक, ठीक है। तो अगर हमसे आपसे कहा जाए कि मेटल से रिएक्शन करा दें, फिफ्थ पॉइंट है आपका धातुओं से क्रिया, ठीक है। तो भाई PCl5 आपका क्लोरीनेटिंग एजेंट है, मतलब फ्लोरीनेटिंग क्लोरीन देने वाला, क्लोरीनेटिंग क्लोरीन देने वाला। आप जब भी PCl5 को गर्म करते हो तो बेचारा PCl3 बन के रह जाता है, Cl2 आपको दे देता है। तो हम कहेंगे बढ़िया, अगर हमें किसी का क्लोराइड बनाना है तो PCl3 ले, है ना। अगर मैंने ले लिया Ag प्लस PCl5 गर्म कर दूँ तो मैं कहूँगी तो PCl3 में चला जाएगा, दो क्लोरीन दे रहा है तो ट्वाइस कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस AgCl प्लस PCl3, सिंपल है। दो क्लोरीन देगा, दो Ag ले लिए तो ट्वाइस AgCl सिल्वर क्लोराइड। और अगर मैं कहूँगी नहीं टिन के साथ PCl5 को गर्म करूँ तो एक PCl5 तो दो ही क्लोरीन देगा, टिन तो फोर स्टेट में जाएगा, तो हम कहेंगे ये SnCl4 बनाता है और PCl3 इस बार दो ले लो, है ना। एक से दो क्लोरीन मिल रहे थे ना, तो दो ले लूंगी तो कितना मिल जाएगा, तो हम कहेंगे चार मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, लिक्विड स्टेट हो गैसेस स्टेट हो, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो था हमारा त्रिकोणीय और द्विपिरामिडी। ठोस अवस्था में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठोस अवस्था में फिर PCl5 रूप में नहीं रहता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, फिर उनकी ज्योमेट्रीज अलग थी, आयनिक यौगिक के रूप में रहता है, और आयंस की ज्योमेट्री हमने अलग बना रखी है, पहले पढ़ रखा है इसको, ठीक है। तो अब ले देखिए PCl3 PCl5, अब PCl5 के बारे में दो शब्द कहिए आपको, उठा दिया कि लो PCl5 के बारे में क्या जानकारी है, तो तुम बता सकते हो, है ना। देखो हम यहाँ से आए थे PCl5 में, यहाँ से भी नहीं आए थे हम, यहाँ से आए थे PCl5 के अंदर, हम यहाँ से आए थे, है ना। तो PCl5 के बारे में दो लाइन बोलो, तो तुम कहोगे देखो PCl5 बनाना है तो बना लेता हूँ, फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ गर्म कर दो, पी और सी एल लाऊंगा तभी तो PCl5 बनेगा, तो वाइट फॉस्फोरस को क्लोरीन के एक्सेस में गर्म कर दो, आंसर है PCl5, ठीक है। या फिर तो PCl5 को सल्फ्यूरिल क्लोराइड से गर्म करो, SO2Cl2, अगर थायोनिल क्लोराइड ले लिया तो PCl3 बनेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले लिया तो PCl5 बनेगा, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना, ठीक है। PCl5 के रासायनिक गुणों के बारे में समझाइए, तो तुम कहोगे देखो पहले तो अवस्था जान लो, वाइट येलो कलर का पाउडर है, जबकि वो आपका थोड़ा सा ऑयली था, PCl3 जो था ना वो तेलीय द्रव था, है ना, ये थोड़ा पाउडर होता है। फिर PCl5 में P जो है सेंट्रल एटम पांच बॉन्ड बना रहा है, तो पांच बॉन्ड बना रहा है मतलब बॉन्ड पेयर पांच, बचा कुचा कुछ भी नहीं, लोन पेयर जीरो, बंधन युग्म पांच है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जीरो है, संकरण sp3d है,
sp3d संकरण की ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो त्रिकोण मतलब पंखा, तो एक तल में है, एक डंडी ऊपर है, दूसरी डंडी नीचे है, तो ऊपर नीचे वाली लेंथ है एक्सियल और एक प्लेन वाली है इक्विटोरियल, निरक्षीय कह दो उनको, अक्षीय कह दो। तो ऊपर और नीचे वाले ज्यादा प्रतिकर्षण फील करते हैं, इसलिए ऊपर नीचे रखा है। लेंथ 240 पिकोमीटर और ये वाली 202 पिकोमीटर।